नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील वर्मा और आज आपके लिए लेके आया हूं कॉन्गेंसी ऑफ ट्रायंगल यानी सर्वांग समता। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, देखिए, सर्व अंग सम है ना। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब उसके हिस्से और सम मतलब समान। कोई भी दो भुजाएं, सॉरी, मान लीजिए ये एक रेखा है, ये एक रेखा और दूसरी ये एक रेखा। मैं कह रहा हूँ कि ये रेखा इस रेखा के सर्वांग सम है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इस रेखा को ले जा करके इस रेखा के ऊपर रखूँ तो ये इस रेखा को पूरी तरह से ढक लेगी। देखिए, ये एक रेखा थी, इस रेखा को मैंने यहीं रख दिया, मान लीजिए ये ए बी थी, ये पी क्यू थी, तो इसको ले जा करके जब मैंने इसी पे रखा तो ये इस पूरी रेखा को पूरी तरीके से ऐसे क्या किया, ढक लिया। तो ये रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी, सर्वांग सम कहलाएंगी। कोई कोण की हम बात कर लेते हैं, देखिए ये कोण 40 डिग्री का है और हम इस कोण की बात कर लेते हैं, ये भी क्या है आपका 40 डिग्री का कोण है। तो देखिए ये भी सर्वांग सम होंगे, क्यों, क्योंकि ये 40 डिग्री का कोण है, ये 40 डिग्री का कोण है। इसको ले जा करके अगर हम यहाँ रखेंगे तो दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को पूरी पूरी तरीके से ढक लेंगी। सर्वांग सम का मतलब ये होता है, समझ में आ गया होगा आपको। एक त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है जिसमें ये ए बी सी, मैंने कह दिया ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। एक कोई दूसरा त्रिभुज है जिसमें ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्या ये सर्वांग सम है? तो हाँ, देखिए इनमें क्या है, सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। अगर इसको मैं ले जा करके इसके ऊपर ढकूँ तो ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा, है ना। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे, है ना। यहाँ सर्वांग सम में क्या होता है, किन्हीं दो चीज़ों का आपस में कंपेयर होता है और वो अगर एक दूसरे के परस्पर बराबर है, हर तरह से बराबर होनी चाहिए, तो क्या कहलाता है, वो सर्वांग सम कहलाता है। अब ये त्रिभुज मैंने लिखे थे, सर्वांग सम हमें दिखाना हो तो हम कैसे उसको निरूपित करते हैं, उसका सिंबल क्या है। ए बी सी एक त्रिभुज था, त्रिभुज ए बी सी, ये क्या है, इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम का निशान हम ऐसे लगाते हैं, ये दो इज इक्वल टू लाइन और ऊपर से डैश, ये क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर के ये सर्वांग सम हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा सर्वांग सम क्या होता है और हम उसको कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब आप देखिए सर्वांग सम के कितने तरीके होते हैं, हम सर्वांग सम को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, उसको उसके क्या क्या तरीके होते हैं, ये इधर कुछ लिखा है मैंने साइड में, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। अगर ये कॉन्ग्रेंसी है तो देखिए मैंने एग्जांपल दे रखा हुआ है यहाँ पे, 4 4.58 सेंटीमीटर, ये दो त्रिभुज यहाँ पे बने हुए हैं, है ना, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, दो त्रिभुज हैं। इनमें देखिए ये 4 सेंटीमीटर, यानी ए सी की माप 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे पी आर की माप भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अगला देखिए, ये है बी सी या सी बी, इसकी माप कितनी, 8 सेंटीमीटर, और ये पी क्यू भी कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ ए बी की माप कितनी है, 4 5.5, और ये आर क्यू कितना है, 5.5। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, है ना, ये ए सी इसमें और पी आर ये आपस में क्या है, बराबर है। हम लिख सकते हैं ए सी बराबर पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर, है ना, ये 4 सेंटीमीटर। दूसरा हम देख रहे हैं ए बी, ये ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है इसके आर क्यू, ए बी बराबर आर क्यू कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या है बी सी, ये क्या है बी सी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, पी क्यू कितना है, वो है 8 सेंटीमीटर। देखिए ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर आ गई। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं बाई बाई एस 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 क्राइटेरिया, है ना, बाई एस 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 क्राइटेरिया या भुजा 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 नियम के अनुसार त्रिभुज ए सी बी कॉन्ग्रुएंट होगा। ए सी बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो, देखिए
ए सी बी लिया था आपने, ए सी बी, तो आर पी पी क्यू आर ऐसे चलेगा, सेम ऑर्डर होना चाहिए तभी होगा। आर पी त्रिभुज ए सी बी, हाँ आर पी क्यू, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए अगला क्या है, SSSAS क्राइटेरिया है ना, भुजा कोण भुजा रूल, इसके अनुसार क्या होगा। देखिए एग्जाम्पल यहाँ भी लिखा हुआ है, दूसरा वाला इसमें लिखा हुआ है एक क्या होना चाहिए, भुजा फिर कोण फिर भुजा, है ना, ये तीनों का क्रम जरूर फॉलो होना चाहिए, क्रम फॉलो करना है आपको। यहाँ देखिए ये भुजा क्या है, सी ए, सी ए की माप कितनी, 7, और फिर ये 50 डिग्री का कोण है, और इस पर ए बी की माप कितनी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आर क्यू की माप 7 सेंटीमीटर, उसके बाद 50 डिग्री का कोण यहाँ भी है, फिर क्यू आर की माप कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 1 और ये नंबर 2 आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। कौन से क्राइटेरिया से, SSSAS रूल से। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, सी ए बराबर, सी ए बराबर आर क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल ए कोण ए बराबर किस कोण के, कोण क्यू के, ये कितना है, 50 डिग्री, ठीक। अब अगला क्या है, बी ए, बी ए की भुजा जो है किसके बराबर है, क्यू आर के, क्यू आर, और ये है कितनी, ये है 5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ लिखेंगे बाई कौन सा क्राइटेरिया है, एस ए एस रूल है ना, इसके अनुसार भुजा कोण भुजा के अनुसार त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज आपने लिया, त्रिभुज सी ए बी कॉन्ग्रेंट है किसके, त्रिभुज आर क्यू, सॉरी आर क्यू, चलिए इसको पी लिख लेते हैं, कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा, ये पी है, जहाँ जहाँ आपको ये दिखा था पी क्यू, मैंने ये लिखा था पी, ये होगा क्यू पी, ठीक है, ओके। तो ये त्रिभुज इसके क्या होगा, सर्वांग सम होगा, किसके सर्वांग सम होगा, आर क्यू पी के, ठीक, ये इसके सर्वांग सम हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्राइटेरिया। अब अगला देख लेते हैं, ए एस ए यानी भुजा, सॉरी कोण भुजा कोण क्राइटेरिया, इसके अनुसार क्या होगा। देखिए इसमें मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया है ना, इसमें कोण भुजा कोण चाहिए आपको, तो हम कह लें ये कोण हो गया 50 डिग्री का, ठीक, ए बी सी, ये 50 डिग्री का कोण। दूसरा मान लीजिए भुजा, सॉरी कोण चाहिए, भुजा चाहिए, और फिर ये कोण चाहिए 40 डिग्री, ये भुजा मान लीजिए है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अगला एक त्रिभुज हमने बना लिया, अगले त्रिभुज में भी क्या है, ये पी ये क्यू ये आर, इसमें देखिए ये मैंने कह दिया 50 डिग्री कोण है, और ये है 5 सेंटीमीटर की भुजा, और ये है 40 डिग्री का कोण। तो ये और ये आपस में सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे देख लीजिए आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एंगल बी है, यानी ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी किसके बराबर है, पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू के, और इसकी माप कितनी है, 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री कोण है। अब दूसरा आप देख रहे हैं कि ये भुजा कौन सी भुजा, बी सी, बी सी भुजा किसके बराबर है, इसमें आर क्यू के, है ना, ये आर क्यू के बराबर है, इसकी माप कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब अगला देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू आर पी, इसकी माप कितनी है, 40 डिग्री। तो अब आप लिखेंगे बाई कौन सा क्राइटेरिया है, बाई ए एस ए क्राइटेरिया या रूल है ना, कोण
कोण भुजा कोण नियम के अनुसार, ऐसे लिख लेंगे आप, क्या होगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज था, ए बी सी, ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा किस त्रिभुज के, त्रिभुज पी आर क्यू के, त्रिभुज पी आर क्यू, समझ में आ गया होगा आपको ये क्राइटेरिया भी है। अब लास्ट क्राइटेरिया है अंतिम सर्वांग समता की कंडीशन, जो कि है आर एच एस, आर एच एस मतलब राइट हैंड सिमिलरिटी से कह सकते हैं, या जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देख लीजिए उसको कैसे क्या होता है, बहुत आसान होता है, और ये मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया है ना, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये कंपटीशन के हिसाब से, कंपटीशन की नज़र से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पूरा एनसीईआरटी के बेस्ड मैंने आपको बताया है। हाँ, आर एच एस क्राइटेरिया, देखिए आर एच एस, इसको हम एच एल भी बोलते हैं, एच एल मतलब हाइपोटेन्यूस और एल फॉर लेंथ, है ना। तो हाइपोटेन्यूस आप समझ लीजिए क्या होता है, एक ये कोण मैंने त्रिभुज बना दिया जिसमें एक कोण कितना है 90 डिग्री का, है ना, एक कोण 90 डिग्री, दूसरा भी त्रिभुज बना लीजिए क्योंकि सर्वांगसम बताना है तो हमें कंपेयर तो कराना ही होगा, ये भी कोण 90 डिग्री हो गया। अब इसमें उन्होंने कहा कि ये है आपका हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब इसको बोलते हैं कर्ण, मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक, ये भी क्या होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, पी क्यू आर, ठीक ऐसे देख लीजिए। तो इस त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है आपका ये कर्ण, इसी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये है आपका हाइपोटेन्यूस। और तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है आर एच एस कि किसी दो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो बराबर होना चाहिए, और इनकी ये दो भुजाएं, ये और ये, इनमें से कोई एक भुजा इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के क्या होना चाहिए, बराबर। एक बार फिर से समझ लीजिए, राइट हैंड सिमिलरिटी में यानी आर एच एस रूल में, एच एल रूल में क्या होता है कि ये कर्ण और इस कर्ण, दो त्रिभुजों में जो कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, वो बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ इन दोनों में कोई एक भुजा, इन दोनों में कोई एक भुजा इन दोनों की किसी एक भुजा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने मान लीजिए कह दिया ये है 7 सेंटीमीटर, और ये भी मैंने कह दिया 7 सेंटीमीटर है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने कहा हाइपोटेन्यूस ए बी बराबर किसके है, वो पी आर के, पी आर कितना है 10 सेंटीमीटर, और आप क्या कह रहे हैं जो बी सी है, बी सी बराबर आर क्यू, आर क्यू ये कितना है 7 सेंटीमीटर, और आप कह रहे हैं कि एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, यानी कि 90 डिग्री। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, बाई हम लिखेंगे बाई आर एच एस, बाई आर एच एस यानी कि राइट हैंड सिमिलरिटी से, इस क्राइटेरिया से कहेंगे त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, त्रिभुज पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, ये आपकी सिमिलरिटी कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और सभी लोगों को इसका लाभ हो। धन्यवाद।